यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग अब समाप्ति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, जहां रूस ने दावा किया है कि वो यूक्रेन की सेना को आखिरी लड़ाई के लिए सेना के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। जहां माना जा रहा है कि आज रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीवी में सेना के मुख्यालय पर कब्जा कर सकती है। जी हां, रूसी सेना सेना मुख्यालय के काफी करीब पहुंच चुकी है। वहीं यूक्रेन के सैनिक प्रवक्ता का कहना है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी विमान को मार गिराया है और उसमें रूस के कई सैनिक भी मारे गए हैं। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को न्योता दिया था कि उन्हें सुरक्षित वहां से निकालकर अमेरिका लाया जाएगा, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के सबसे बड़े लीडर ने साफ मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वे अंतिम सांस तक अपने देश में ही रहेंगे और युद्ध करते रहेंगे। आखिर जीत यूक्रेन की जनता की ही होगी। उधर रूस के इस कायराना हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है और यूएन के 15 में से 11 सदस्य देशों ने रूस के हमले की निंदा की है, उसके खिलाफ में वोटिंग किया है। वहीं रूस ने अपने वीटो के अधिकार का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को खारिज करने की ओर पहल किया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा ये कहे जाने पर कि वे शांति चाहते हैं और वार्ता के लिए तैयार हैं, उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हथियार डाल दे तो हम बात आगे कर सकते हैं। वहीं अमेरिका ने युद्ध के नहीं बल्कि कूटनीतिक तरीके से एक बड़ा फैसला लेते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वहां के प्रधानमंत्री और सुरक्षा सलाहकार पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले यूएन में हुए वोटिंग में भारत ने न तो रूस के पक्ष में वोट दिया और न ही विरोध में। भारत वोटिंग से खुद को अलग रखकर कूटनीतिक संदेश देने का काम किया है। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ चीन ने भी किया। रूस को लग रहा था कि चीन वोटिंग में उसका साथ देगा, लेकिन चीन भी वोटिंग देने से मन खुद को अलग करते हुए वोटिंग से बाहर निकल गया। इन सब के बावजूद सबसे बड़ी चिंता भारत के उन स्टूडेंट को लेकर है जो कि भारत से वहाँ यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए हैं। वो वहाँ पर परेशान हैं, जिन्हें अलग अलग शहरों से एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए भारतीय दूतावास ने संदेश भेज दिया है। तमाम छात्र अपने अपने साधनों से या सरकार के गाड़ी से एक अलग जगह पर दूसरे बॉर्डर पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके लिए मुंबई से आज इंडियन एयरलाइंस की एक विमान यूक्रेन के पड़ोसी देश के लिए उड़ान भर चुकी है और वहां पहुंच जाएगी, जिसके बाद बाय रोड यूक्रेन से उन छात्रों को पड़ोसी देश लाया जाएगा और फिर वहां से भारत एयरलिफ्ट किए जाने की संभावना है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि आज दो और विमान भारत से यूक्रेन के पड़ोसी देश के लिए उड़ान भर सकती है। भारत के उन छात्रों के परिवार भी काफी सहमे हुए हैं। इस बीच हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार ने उत्तर प्रदेश के महुआ जनपद के एक परिवार से बात किया, जिनका बेटा वहाँ मेडिकल के पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया हुआ है। कहाँ हो? रूम में हो? बंकर में है। अच्छा, बंकर में हो? है? काफी लोग दिखा रहे हैं, तो 300 हैं। करीब 300 लोग हैं। अच्छा, फिर बस का जो नहीं पास ही में 1 किलोमीटर के रेंज लगभग हुआ तो हमला। हाँ। सायरन बजे। हाँ। तो पहले तो हमला गया, वहां से जग गए थे सामान सब लेके, जो अपनी किट बनाए थे पूरी, खाने पीने को सामान डॉक्यूमेंट सब लेके थे बयान थे। प्रधान जी, आपका बच्चा इस समय कहाँ पर है? जैसे कि यूक्रेन के हालात खराब चल रहे हैं, कौन सी ईयर में है, कब गया था यहाँ से, क्या कर रहा हूँ? हमारा बच्चा डॉक्टरी कर रहा है, करीब 4 साल हो गए हैं उसको यूक्रेन में। कीप में है वो, जो यूक्रेन की राजधानी है कीप, वहाँ पे पढ़ रहा है वो। अच्छा, आपकी बात हुई होगी, वहाँ के हालात के बारे में क्या बताया उन्होंने? अब वहाँ के हालात तो बात हुई है, बात बराबर हो रही है, और 24 घंटे में करीब 10 से 15 बार बात होती है सभी लोगों की, घर वालों की, हमारी भी। और वहाँ के हालात तो आप देख ही रहे हैं, ख़राब हैं, बराबर हमला हो रहे हैं रूस की तरफ से। तो आप भारत सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगी? भारत सरकार से यही गुजारिश है कि वो
जल्दी से जल्दी कुछ करें। हमारे पनवाड़ी प्रधान संजय द्विवेदी जी हैं, इनका बच्चा है MBBS कर रहा है, राज द्विवेदी नाम है, जो मौजूदा में फंसा हुआ है और काफ़ी समस्याओं से ग्रसित भी है, लगातार उससे बात हो रही है। हालांकि वहां पर इंतज़ाम ठीक ठाक किए गए हैं, बंकर में राज द्विवेदी सुरक्षित हैं, उनसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी ही बात हुई थी तो उन्होंने सारी जानकारियां दी हैं और भारत सरकार की ओर से जो ठोस प्रबंध होना चाहिए। ये दृश्य सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि भारत के हजारों परिवार का है जिनके अपने सगे संबंधी यूक्रेन में हैं और वो अपने सगे संबंधी को सुरक्षित वापस देश बुलाने के लिए सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। होता क्या है और क्या क्या अपडेट आता है, इससे रिलेटेड तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।